हेलो व्यूअर्स, आज शोभा बोरवाल किचन में हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। यह सरसों का साग कुछ अलग तरह का है। ऐसे तो सरसों के साग में पालक, बथुआ, मेथी और दूसरे कुछ हरे ग्रीन लीफी पत्तियां डलती हैं, लेकिन यह हम सिर्फ पालक के साथ मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए हमने पालक लिया है, यह है करीब 150 से 200 ग्राम के बीच में, 200 ग्राम से कम पालक और आधा किलो सरसों का साग, जो साफ करने के बाद करीब 400 ग्राम के करीब हो गया है, और हमने उसी के रेशियो में उसका एक तिहाई पालक लिया है। इसके लिए सबसे पहले हमें पालक और सरसों को बॉईल करना पड़ेगा। अब हम सरसों का साग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें हम मेजरिंग कप से हाफ कप पानी डालेंगे। यह 1/4 कप का मेजरिंग कप है, हम हाफ कप पानी इसमें डाल रहे हैं। यह हमारा हाफ किलो सरसों का साग है, जिसे हमने धोकर साफ कर लिया है और कड़े जितने भी डंठल थे सब निकाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे कट करके बड़े बड़े पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम 1/3 के बराबर पालक डालेंगे। अगर आपका 1/2 kg के करीब सरसों का साग है तो आप 150 ग्राम कम से कम इसमें पालक मिक्स करिए, और यह नाप साफ करने के बाद का है। यह थोड़ा ज्यादा है, यह देखिए मैंने बचा लिया है। हमने 1/2 कप पानी डाला है। 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का हम इसमें छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल देंगे। 1 हरी मिर्च है, इसके 2 पीस करके हमने डाले हैं, और 1/4 teaspoon नमक, और साथ ही 1 bay leaf डाल देंगे। अभी थोड़ा पकते ही यह पालक और सरसों का साग काफी दब जाएगा। अब हम कुकर का लीड लगाएंगे। 1/2 कप पानी इसमें सफिशियंट है। जैसे ही साग बॉयल होना शुरू होगा, पालक भी अपना पानी छोड़ देगा। अब हम वेट लगा देते हैं। पहले हम आंच को तेज रखेंगे। फर्स्ट विसल आने के पहले हम गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे, और सेकेंड विसल आने के पहले हम गैस बंद कर देंगे। 2 सीटी आने से पहले हमने गैस ऑफ कर दी थी, और इसकी स्टीम जो भी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गई है। जबरदस्ती हमें इसकी स्टीम नहीं निकालना है। अब हम कुकर खोलकर देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है हमारे ये सरसों और पालक का साग। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे हम मिक्सर जार में डालकर पहले हम पीस लेते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए हमें बाकी अन्य वस्तुओं की जो आवश्यकता है वह है प्याज। यह एक बड़े साइज की प्याज है जो हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटी है। यह है 1 इंच टुकड़ा अदरक, 6-7 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज, बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर और 1 मीडियम साइज का टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। इसके अलावा हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह है दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं, और नमक। सरसों और पालक जो हमने बॉयल करके रखा था उसका हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसे चटनी की तरह स्मूथ हमें नहीं करना है। हम कढ़ाई गरम करने रखेंगे, और इसी बीच में एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, 5-7 कली लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक, इसे हम पीस कर पेस्ट बना लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक को पीस कर हमने पेस्ट बना लिया है। उसी तरह से बड़े कटे हुए टमाटर का भी प्यूरी हम बना लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल हमने डाला है। अब इसमें हम तेजपत्ता, 1 तेजपत्ता है टुकड़ों में काटा है, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा, इन्हें हम थोड़ा सिकने देंगे। जीरा स्प्लटर कर रहे हैं। जो एक मीडियम साइज की प्याज हमने काटी हुई है उसमें से थोड़ी सी प्याज हम 1 टीस्पून के करीब बचा लेंगे, बाकी प्याज हम तेल में भूनेंगे। प्याज को थोड़ा भूनने देंगे हम। अब ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो जो एक बड़े साइज की प्याज, अदरक और लहसुन की प्योरी हमने बनाई थी, पेस्ट बनाया था, वह हम डालेंगे। इसे थोड़ा ढक देते हैं, छींटे उड़ रहे हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे हल्का सा भुनेंगे, और साथ ही जो कटे हुए टमाटर हैं वह हम डाल देंगे। मसाला हमारा भुन गया है, आज मीडियम ही रखेंगे हम, और ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी। आँच हम तेज कर देते हैं। इस मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। थोड़ा टाइम और लगेगा मसाला भुनने में। मसाला हमारा भुन गया है। हम इसमें मसाले के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें संभल के डालना है,
क्योंकि पालक और सरसों को बॉयल करते समय भी हमने थोड़ा नमक डाला था। अब थोड़ा नमक हम साग के हिसाब से डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से रख सकते हैं। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। ये मिक्सी के पॉट में टमाटर वगैरह लगा हुआ है, वहां में पानी डाल दे रहे हैं। आँच हम मीडियम कर देते हैं और ढककर इसे 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे। कढ़ाई को हम इस साइड रख देते हैं और इस बीच में हम एक कोयले के टुकड़े को गैस पर गरम करने के लिए रख देंगे। इस कोयले के टुकड़े को हमें तब तक गरम करना है जब तक यह लाल ना हो जाए। बड़े शहरों में कोयला मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन दुकानों में पूजा का सामान मिलता है वहाँ हवन वगैरह करने के लिए यह कोयला आसानी से मिल जाता है। इस कोयले को हम इसलिए गर्म कर रहे हैं कि हम इस पालक और सरसों के साग को दोंगार देंगे। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे गाँव में मिट्टी के चूल्हों पर बनता है खाना, उस तरह का टेस्ट आएगा। होम फॉइल को हम फोल्ड करके इस तरह से एक कटोरी जैसा आकार दे देंगे। यह देखिए इस तरह से कोयले को सावधानी से उलट पलट देंगे गैस के बर्नर पर। यह देखिए लाल होना शुरू हो गया है। इसी तरह साग को भी चला देते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। 2 चम्मच पानी हम इसमें और डाल रहे हैं। गैस हम ऑफ कर देंगे। अब इस सरसों के साग को हम धुंगार देंगे। यह देखिए यह गैस पर से कढ़ाई को उतार लिया है। इस होम फॉइल की जो कटोरी बनाई है हमने वह हम सरसों के साग पर रख देंगे। आज हम बंद कर देते हैं, गैस बंद कर दिया हमने, और इस कोयले को हम एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी पर रख देंगे। और ये 2-3 लौंग है, इन लौंग को हम इस कोयले पर सावधानी से रख देते हैं और 2-3 ड्रॉप घी हम इस कोयले पर टपकाएंगे। यह देखिए धुआं उठना शुरू हो गया है। अब हम इसे ढक देते हैं। इस धुएं की सारी खुशबू साग में आ जाएगी। 2-3 मिनट तक हम इसे ढक के रहने देंगे। यह हमारा पालक और सरसों का साग बनकर तैयार है। इस एल्युमिनियम की कटोरी को हम सावधानी से निकाल लेते हैं और थोड़ा गरम मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे, 1/4 टीस्पून। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस साग को हम एक बाउल में पलट लेते हैं। इस बीच में हम एक वघारिया को गरम करेंगे। वघारिया हमारा गरम हो गया है। हम 1 टीस्पून घी डालेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून से भी कम जीरा और 2 लाल मिर्च फ्लेवर के लिए। और इस चौंक को हम इस साग के ऊपर पलट देंगे। हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसके साथ मक्के की रोटी बनाएंगे। हमारा यह सरसों और पालक का साग बनकर तैयार है। जो प्याज की कतरन हमने बचा के रखी थी थोड़ी, आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।